आज मेरे साथ मौजूद हैं यूएसए से आए ब्रॉक लेसनर। जो सबसे ज्यादा जो इस पे फोकस करने वाली चीज है वो डाइट है। आजकल जो भी जिस्म बनता है वो इन अद्वियात के बगैर नहीं बनाते। स्टेरॉइड की बात करूं, बेसिकली वो चीजें नहीं है क्योंकि लोगों के पास जो है ना वो अवेयरनेस कम है। प्रोटीन जो होती है वो ये डब्बों वाली प्रोटीन नहीं होती। यहाँ पे काफी सारे लोगों की डेथ हुई है स्टेरॉइड की वजह से। कभी 4-5 बंदों से लड़ाई होगी हो और उनको सही तरह फेंटा लगाया हो कि वाकई ऐसा? हाँ, हो जाती हैं लड़ाइयाँ। थोड़े से डॉलर दिखाइएगा, ये कितना साइज क्या है इसका? ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 19.5 या तकरीबन 20 के करीब। साढ़े चलें ये 20 है ओ, बस ठीक है। अच्छा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ वसीम हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। आज मेरे साथ मौजूद हैं यूएसए से आए ब्रॉक लेसनर, पाकिस्तान के जहां जेब, रावलपिंडी से इनका है ताल्लुक और दिखने में ये वाकई वैसे ही लगते हैं। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन्होंने इतना खूबसूरत जिस्म कैसे बनाया, क्या ये स्टीराइड खाते हैं, क्या ये प्रोटीन खाते हैं? क्योंकि आजकल जो भी जिस्म बनता है वो इन अद्वियात के बगैर नहीं बनाते, कसरत कम होती है और मेडिसिन ज़्यादा होती हैं। आइए जहां जेब से बात करते हैं और पूछते हैं कि इतने खूबसूरत जिस्म इन्होंने कैसे डेवलप किया। अस्सलाम वालेकुम जहां जेब। वालेकुम सलाम वसीम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं आपके साथ बैठा अपने आप को बड़ा कमज़ोर सा फील कर रहा हूँ। मैंने मुझे सारे कहते हैं कि यार तू धूश बन गया है, बड़ा बड़ा हो गया, लेकिन आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस ये बॉडी बिल्डिंग आपको पता है, वैसे ही आप लोग आप जब करते हैं तो बॉडी ब्रॉड हो जाती है, तो वैसे ही साथ बैठा बंदा थोड़ा सा वो अपने आप को फील करना शुरू कर देता है। कितने साल आपकी उम्र है और कितने साल आपने ये कसरत की है? जी मेरी 30 के पास है, मेरी एज हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हो गया तकरीबन 10 से 12 साल हो गए मुझे तकरीबन जिम करते हुए। रोज़ाना कितनी कसरत करते हैं? रोज़ाना तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, हम 1 से 1.5 घंटा जिम जाते हैं। उसके बाद हमारी वो डाइट होती है, जो सबसे ज़्यादा जो इस पर फोकस करने वाली चीज़ है वो डाइट है। जिम तो असल में लोग जो हमारे अक्सर यंगस्टर वो तो चले जाते हैं, लेकिन वो इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते अपनी डाइट पे। डाइट बेसिकली अब तो वैसे भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये जो आप देख के अभी जैसे, लेकिन ये सारा डाइट बेस का ये डिपेंड करता है, तो इसके लिए आपको डाइट साथ करनी पड़ती है। डाइट रखेंगे तो तब आप जाके जो है ना वो नज़र आएंगे। डाइट की बात कर दी, अपनी डाइट करते क्या हैं, खाते क्या हैं आप? बेसिकली ये प्रोटीन डाइट होती है, इसमें प्रोटीन वो नहीं वो जो डब्बों वाली है। बेसिकली आजकल वो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि वो आपने डब्बे खाने हैं या वो इंजेक्शन यूज़ करने हैं, तो उससे नहीं, ऐसा नहीं। इंजेक्शन से मुराद स्टीराइड की बात कर रहे हैं? हाँ, स्टीराइड की बात करूँ, बेसिकली वो चीज़ें नहीं है क्योंकि लोगों के पास जो है ना वो अवेयरनेस कम है, लोगों को नहीं पता, लोगों को असल में बताते नहीं हैं लोग, गाइडनेस नहीं देते, तो जिसकी वजह से जो है ना वो इस साइड पर चले जाते हैं। तो बेसिकली प्रोटीन डाइट ये है, आपकी चिकन में प्रोटीन है, आप चिकन से ले सकते हैं, आप फिश से ले सकते हैं, एग सबसे अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, आप उससे भी ले सकते हैं। तो मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप एक प्रॉपर जो है ना वो डाइट प्लान बनता है, जिसके बाद आप जो है ना वो बेसिकली इसमें टाइम तो लगता है, लोग बेसिकली ये नहीं करते, वो शॉर्टकट के चक्कर में पड़ जाते हैं कि जल्दी, टाइम तो लगता है, लेकिन देखें आपका इससे इनर कमज़ोर नहीं होता। जो स्टीराइड लोग यूज़ करते हैं वो बेसिकली बाहर से तो आपको स्ट्रांग लगेंगे, लेकिन वो अंदर से ख़त्म हो, अंदर से ख़त्म हुआ आपके अंदर, आपको नहीं पता क्या आपके अंदर बीमारियां चल रही हैं। नाज़रीन बड़ी खूबसूरत बात की है जहां जेब ने कि प्रोटीन जो होती है वो ये डब्बों वाली प्रोटीन नहीं होती, ये प्रोटीन वो खुराक के बारे में बता रहे हैं। ये कौन सी ऐसी खुराक है जो आपके जिस्म को, आपके निज़ाम इन्हज़ाम को अंदर से और बाहर से मजबूत करती है? स्टीराइड वो चीज़ होती है जो आपके जिस्म को फुला देती है वक्ती तौर के लिए, लेकिन आपके जो गुर्दे होते हैं वो नकारा बना देते हैं। मैं यही बार बार इसलिए इनसे पूछ रहा था कि जो नए सीख रहे हैं और इस वक्त जिम में भी हैं, उनको ये कम अज़ कम अवेयरनेस पैदा हो जाए कि स्टीराइड शॉर्टकट में मत जाएँ, ऐसा ही है जहाँ से? जी बिल्कुल,
स्टीरॉयड से आपको अभी आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की डेथ हुई है स्टीरॉयड की वजह से, मतलब अर्ली एज में इनकी डेथ हो रही है क्योंकि उन्होंने इस बारे में कोई स्टडी नहीं की होती, उनको बेचारों को पता ही नहीं होता। लोग अपने खाने के चक्करों में वो उनको वो लगा देते हैं, कर देते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो अपने पैसों के, वो आपने पंजाबी की एक मिसाल सुनी होगी, वो अपने पाक गोश्त से तुसी दुए नी मज को देती, तो ये वाली वो है, अगला बेचारा जान से चला जाता है, उनको पता नहीं होता। लेकिन ये है कि ये आप जो नेचुरल करते हैं टाइम तो लगता है, लेकिन आप इससे अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह ये देख रहे हैं, मैं आपके सामने हूँ, जहाँ पे देखें बेसिकली ये जो बॉडी बिल्डिंग है ये देखें, ये बेसिकली आपका एक बॉडी बिल्डिंग बेसिकली देखें जी, ये आपको एक मतलब एक अच्छा डिसिप्लिन क्रिएट करती है बॉडी बिल्डिंग। आप देखें 100 लोगों में आप खड़े हो ना तो वो आप एक अलहदा हाँ मुनफरद नज़र आते हैं। आजकल की देखें ना, मतलब लड़कियां हैं, मतलब लड़कों, मतलब इनको करनी चाहिए, आप आधा घंटा कम से कम घंटा आप घर में दें, आप अपने आप को इंशाल्लाह आप अपने आप को हेल्दी फील करेंगे, आप इससे बड़ी बीमारियां इससे ख़त्म होती हैं, बड़े एक हेल्दी लाइफ, बरकत में बरकत है जी, बिल्कुल हेल्दी लाइफ। जहाँ से शादी शुदा हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। कब शादी हुई है? अभी मेरी तकरीबन रिसेंटली 4 माह हो गए। अपनों में जी आउट ऑफ फैमिली, आउट ऑफ कास्ट से हुई है। जब देखने को आपको आए थे इतना खूबरू नौजवान, पहले तो माशाल्लाह बड़े खुश हुए होंगे, यार खूबसूरत नौजवान हटा कटा, लेकिन जब वो आपकी खुराक की तरफ देखते होंगे वो कह रहे यार की बन सी था फिर। नहीं बेसिकली मैं आपको वो एक वाक्य सुना देता हूँ, मैं मेरी बेसिकली वो जो मेरी सिस्टर ना मेरी साली वो होती है वो कैनेडा में होती थी, तो वो उन्होंने मुझे देखा तो नहीं, वो जब आई हैं वो पहली दफ़ा तो वो उनके हस्बैंड भी साथ, जब उन्होंने वो देखा तो वो मुझे देख के डर गए एकदम, उन्होंने कहा ये क्या हो गया ये तो वो पहली दफ़ा, फिर वो खैर मैं उनको फिर उन्होंने देखा, पहले अप्रिशिएट किया, लोग अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह फिर इस चीज़ को वो देखते हैं। बेसिकली देखें जी ये है कि बॉडी बिल्डिंग आप में, मैं कहता हूँ आपका अगर फिगर मेंटेन है ना तो आपने 200 रुपये वाला टॉप भी पहना हुआ ना तो मैं कहता हूँ कि आपको वो भी अच्छा लगेगा। आपको तो सारे कपड़े अच्छे लगेंगे यार। नहीं मैं बेसिकली मैं ये एक स्पेसिफिक मर्द के लिए, मैं औरतों के लिए भी ये मैं कह रहा हूँ, हमारे पास हैं काफ़ी सारी मेरी क्लाइंट्स हैं, मतलब जिसमें वो लड़कियाँ भी हैं, बैरिया से हैं, इस्लामाबाद से हैं, मर्द हैं वो भी हैं तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे से लेती हैं, वो मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी देती हैं, मतलब उसे वो करती हैं। अभी टेंशन में तो नहीं आती? नहीं वो थोड़ा बहुत होती है, लेकिन मैं कहा ये तो फिर अब इससे जहाँ से अभी आप बाय प्रोफेशन करते क्या हैं? बेसिकली मैं होता हूँ ये चौधरी उस्मान साहब के साथ, आप उनके पर्सनल गार्ड हैं, चेयरमैन ऑफ ग्रीन स्पायर हैं वो। अच्छा। जी उनके साथ मैं होता हूँ, तो सैलरी भी अच्छी होगी, खाना भी बड़ा बेहतरीन मिलता होगा। हाँ जी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, बेसिकली वो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं इस मामले में भी, तो वो काफ़ी ख्याल रखते हैं हमारा जी। देखने वालों को क्या पैगाम देंगे, शॉर्टकट में जाना चाहिए या फिर मेहनत करके अपने बलबोते पे ऐसा खूबसूरत जिस्म डेवलप करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि जो ये आप किसी भी गलत एक्टिविटी से बचें, मतलब आजकल के नौजवान आपने देखे हैं नशों में हो जाते हैं, सिगरेट पीना, मतलब शीशे पीना, कुछ और जिस तरह की भी है, उनसे आप लोग बचें, आप अपना कोई भी हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब उसको आप लें, बेशक बॉडी बिल्डिंग हो या कोई भी स्पोर्ट है आप उसमें जाएँ, ठीक है, तो वो आप एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारेंगे, गुजार सकते हैं। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं ये थोड़ा सा डॉलर दिखाइएगा, ये कितना साइज़ क्या है इसका? ये तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 19.5 या तकरीबन 20 के करीब, 19.5 चलें ये 20 है ओ, बस ठीक है। अच्छा माशाल्लाह चेस्ट कितनी है आपकी? ये मेरी तकरीबन 50 के करीब है, 50 इंच के करीब है। तो दावत मिलती है दूसरे मुमालिक से? अक्सर पाकिस्तानियों को बाउंसर दिया जाता है दुबई में या किसी और मुल्क में, तो दावतें मिलती हैं ऐसे? जी जी अभी मेरे रिसेंटली मेरे दोस्त भी हैं काफ़ी सारे, वो दुबई गए हुए हैं, तो काफ़ी सारी मेरी फैमिली भी बाहर है इंग्लैंड में, बेसिकली मैं जाते रहते हैं। हाँ जी वालदा की तरफ से मीरपुर मेरा गाँव है, तो आपको पता वो सारे वलैती है। हाँ तो वो भी काफ़ी वो कहते रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई इतना वो नहीं हुआ, आती रहती हैं, पर खुद अपने मुल्क में मैं कह रहा हूँ कि चलो बंदा इसी में अपना। कभी 4-5 बंदों से लड़ाई हो गई हो और उनको सही तरह फेंटा लगाया हो, कि वाकया ऐसा? हाँ हो जाती हैं लड़ाइयाँ, मैं एक्चुअली पहले मैं मैरियट में था तो वहाँ पे भी हो जाती हैं, हुई हैं काफ़ी, जब हमारी फील्ड ऐसी है सही फिर लगाते हैं। हाँ फिर वो उनको सही, फिर हम बर्गर और फुटबॉल बनाते हैं उनको तो नाज़रीन इकराम आज के इस इंटरव्यू में बात करने का जहांज़ेब से यही एक मकसद था
कि अगर आपने अपने खूबसूरत जिस्म को मज़ीद खूबसूरत बनाना है उसके लिए कसरत लाजमी है। कभी भी स्टीराइड्स में प्रोटीन जो आपको इम्पोर्टेड डब्बों में दिया जाता है उस पर गुजारा मत कीजिएगा, उस पर इन्हिसार मत कीजिएगा। आपको वक्ती तौर पर आपका जिस्म बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन आप देर पा दूर अंदेश अगर उसमें देखते हैं वो आपके निज़ाम को अंदर से टोटली ख़त्म कर देते हैं। इंशाल्लाह ऐसी ही किसी खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ वसीम हाशमी दोबारा एम वाई के न्यूज़ की स्क्रीन पर आपको मिलेगा। दीजिएगा इजाज़त कैमरामैन शहजाद गिल के साथ वसीम हाशमी रावलपिंडी।